हौसला रख मेरे दोस्त, ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक, क्योंकि कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा ना होने दिया। यार मैंने बहुत लोगों को देखा है जो लाइफ में मेहनत करते करते थक जाते हैं और हार मान लेते हैं। उस डिप्रेशन में लोग सुसाइड जैसी चीजें तक कर लेते हैं। यार क्या हमारी जिंदगी इतनी सस्ती है? 95% लोग ये बोलते हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा, हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारी तो जिंदगी ही बर्बाद है। पर दोस्त एक बात बताऊं, कभी भी लाइफ या किस्मत अच्छी या बुरी कभी नहीं होती। अच्छा या बुरा होता है तो वो होता है टाइम, आपका समय। हर किसी की लाइफ में बुरा टाइम आता है, हर किसी की लाइफ में आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारी लाइफ में आया। पर किसी की जिंदगी में बुरा टाइम अपने माँ बाप को खो देना, किसी की जिंदगी में सबसे प्यारे को खो देना, किसी का सब कुछ बर्बाद हो जाना और किसी का एक वक्त की रोटी तक नसीब ना होना। पर कभी इन सब चीजों पर ध्यान दिया आपने? इन सब चीजों में एक चीज कॉमन होती है, इस बुरे टाइम का तुम्हारी लाइफ में आना, इस बुरे टाइम का तुम्हारी लाइफ में आना भी एक संकेत होता है कि अब तो कुछ बदलने वाला है। और वो बदलने वाला होता है तुम्हारी विल पावर। चौंकिए मत, सोचिए। चलो मैं बताता हूं। बुरा टाइम हमेशा आपके सामने दो चॉइसेस रखता है। एक तो तुम उसके शिकार बन जाओ और अपने आप को खत्म कर दो, जो अमूमन लोग यही करते हैं। दूसरा, तुम इससे लड़ो। अब डिसीजन तुम्हें लेना है कि पहला रास्ता चुनना है या दूसरा, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि बुरा टाइम परमानेंट नहीं होता, ये तुम भी जानते हो। फिर थोड़ी सी परेशानी में हार मान लेते हो, ये तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा होती है, क्योंकि तुम पूरी ताकत के साथ बस खड़े नहीं रह सकते। क्यों तुम डटकर मुकाबला नहीं कर सकते? तुम्हें तो बुरे टाइम से भी सीखना होगा, क्योंकि ये टाइम तुमको स्ट्रॉन्ग बनाता है, इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है कि तुम किसी भी हालात का सामना बड़ी आसानी से अकेले अपने दम पे करने के काबिल हो जाते हो दोस्तों। बशर्ते हारना नहीं है, आखिर तक लड़ना है, क्योंकि बुरा टाइम तुमको बदल के रख देता है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल, तुम्हारा एटीट्यूड, सोच, विल पावर सब बदल देता है। और दोस्त यही लाइफ है, तुम्हारी ग्रोथ के लिए ही तुम्हें इन सब परेशानियों से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि हमेशा उस बुरे टाइम के गुजरने के बाद ही तुम्हारी ताकतवर पर्सनालिटी का जन्म होता है। कितनी बार भी असफल हो, एक बार, दो बार, तीन बार, चाहे 100 बार, हारते तभी हो जब आप लड़ना छोड़ देते हो। तो फिर बोलता हूं भाई, हारना नहीं है, लड़ते रहना है। एक औरत भी मरने के लेवल के दर्द को झेलने के बाद एक बच्चे को जन्म देती है और उसके बाद मां कहलाती है। अगर बुरा टाइम आपकी लाइफ में ना आए ना, तो आपको अच्छे और बुरे का फर्क नहीं पता चलेगा। अच्छे टाइम में आपके साथ 1000 लोग खड़े होंगे, लेकिन बुरे टाइम में एक आदमी ना दूर दूर तक ढूंढने से भी नहीं मिलता। बुरा टाइम मुश्किल तो जरूर देता है, लेकिन आपको अकेले लड़ना भी सिखा देता है। अरे क्या हुआ अगर बुरा टाइम तुम्हें गिरा देता है, तो यह सोचना बंद कर दो कि तुम वापस खड़े नहीं हो सकते। तुम्हें तो खड़ा होना पड़ेगा ही पड़ेगा। तुम चाहे खुद गिर गए हो या किसी ने नीचे गिरा दिया है, चाहे तुम कितनी भी मुश्किलों से, कलेशों से गुजर रहे हो या गुजर चुके हो। हाँ तो क्या हुआ, तुमको चोट लगी है तो सबने तुम्हें बीच में छोड़ दिया है। यार, रिश्तेदार, दोस्त, भाई, जो हर अच्छे टाइम में तुम्हारे साथ थे, आज बुरे टाइम में सबने तुम्हें छोड़ दिया है। हाँ, तुमने अपनी नौकरी खो दी है। हाँ, तुम्हारा बिजनेस बर्बाद हो गया है। तुम्हें दर्द होता है। हाँ, होता है, मुझे पता है बहुत दर्द होता है, लेकिन तुम्हें उस दर्द से आगे निकलना पड़ेगा। तुम्हें उठना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। और अगर बुरा टाइम फिर दोबारा तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देता है और तुम्हें बार बार परेशान करता है, तो इस बार उसे ऐसा हराना कि उसकी समझ में आ जाए कि तुम दोबारा खड़े हो सकते हो। और अगर मैं जीत सकता हूं ना, तो तुम भी जीत सकते हो, क्योंकि हारना नहीं है, फिर बोलता हूं, लड़ते रहना है और जीतते रहना है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है। तकलीफ तो बहुत होती है गिरने पे मेरे दोस्त, ठोकर ही इंसान को संभल के चलना सिखाती है। अगर आपको मेरी इस वीडियो से मोटिवेशन मिली हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।